साथ इसके ऊपर रखते हैं एक दो काजू भी। ये बहुत ही मजेदार बना है, हर चीज इसमें इतनी परफेक्ट है, चीनी इसमें इतनी परफेक्ट है, जब आप बनाएंगे और मेरे इसी मेजरमेंट को आप रखेंगे साथ। है तो बेसिकली ये शीर कोरमा लेकिन बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है। और ये है मेरे मामू उमर शरीफ की वाइफ का सिग्नेचर मीठा। तो चले चलते हैं जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हम सबसे पहले तो करेंगे, ये मैंने लिया है 2 टीस्पून घी, आप मक्खन हो या घी ले लीजिएगा। और ये मैंने मेवा सारा काट के रखा है, तो इसको हमने करना है सबसे पहले फ्राई। तो पहले हम करेंगे खोपरे को फ्राई, इनको अलग अलग हमने फ्राई करना है। अच्छा सा इन पे कलर आ जाए, इतना फ्राई करना है सारे मेवे को। बहुत अच्छी खोपरे की फ्राई होने की खुशबू आ रही है। मैंने बहुत थोड़े से ऑयल में घी में, बल्कि घी या बटर लेंगे तो उससे बहुत अच्छा सा आएगा, ऑयल से तो ऑयल की हीक आ जाती है। तो हम इसे घी या बटर में करेंगे तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और ऑयल की हीक नहीं आएगी। ये देखिए खोपरे का कलर चेंज हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये काजू भी हो गए फ्राई, इसको भी हम निकाल लेंगे अलग जगह पे। ये बादाम भी हमारे फ्राई हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। और सबसे एंड में ये मैंने सेवइयां ली हैं, बारीक वाली सेवइयां हैं, इनको हम फ्राई करेंगे। सारे मेवा जो है मैंने वो सब फ्राई कर लिया है, इसको भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। सेवइयां फ्राई होने में ज्यादा देर नहीं लगती है, जल्दी से फ्राई हो जाती है वो। इनको सबको खोल देना है ताकि हमारी सेवइयां अंदर से कड़क तक हो जाए। क्योंकि हमने देना है अपने शीर कोरमे में क्रंची मजा, तो इसी तरह आएगा कि हमारा मेवा जो है सब फ्राई हुआ हुआ हो, हमारी सेवइयां भी फ्राई हुई भी है। ये हो गई है सेवइयां भी फ्राई, अब चलते हैं अपने शीर कोरमे को बनाने के लिए। ये मैंने ले लिया है 1.5 किलो दूध और इसको मैं उबालने रख दिया है। जैसे ये उबल जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सेवइयां, और सेवइयां मैं आपको दिखाऊंगी मैं कौन सी वाली सेवइयां ऐड कर रही हूँ। दूध हमारा हो गया है गर्म, इसमें अब मैं ऐड करूंगी, ये शुगर है और शुगर मैं ऐड करूंगी 8 टेबल स्पून। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप मीठा ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो 8 चमचे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरी इस रेसिपी के लिए, 1.5 किलो दूध के लिए ये 8 चमचे बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे भी मीठा थोड़ा सा आजकल कम खाना चाहिए, क्योंकि मीठा इससे तो नुकसान ही है, लेकिन कभी कभी तो चलता है, तो उसमें हम अगर हम लाइट मीठा खाएंगे तो वो हमारा टेस्ट भी आएगा हमें मीठे का, और परेशानी भी इतनी ज्यादा नहीं होगी। चीनी घुल गई है दूध में, ये मैंने लिए हैं सेवइयां, ये कलर वाली सेवइयां हैं, ये इसमें ऐड होंगी। और सेवइयां मैंने ली हैं 60 ग्राम और ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब इसको हमने अच्छे से चलाते रहना है ताकि हमारी सेवइयां जुड़े नहीं। ये सेवइयां हमारी इसमें बहुत अच्छे से पक गई हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं सेवइयां, ये देखिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड, ये मैंने 1/2 कप दूध में 2 टेबल स्पून कस्टर्ड के भिगोए थे और इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था, और इसे डाल के मैंने जल्दी से
फौरी फौरी से चला देना है ताकि इसमें गुठलियां ना बने। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा शेर कुरमा हो गया रेडी। बस इसे 2 मिनट पकाएंगे ताकि हमारा जो इसको बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि गाढ़ा हो जाएगा तो भी ये कस्टर्ड हो जाएगा। इसको हमने थोड़ा पतला ही रखना है इसी तरह जैसे इसकी इस वक्त शक्ल नजर आ रही है आप लोगों को। ये देखिए एक उबाल आने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे करते हैं डिश आउट। ये देखिए कलरफुल सेवैया कितनी अच्छी लग रही है इसमें, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। चलो फ्लेम को करते हैं ऑफ। इसमें आ गया है बॉयल। ये हो गया है तैयार हमारा बहुत ही डिफरेंट सा बहुत ही मजेदार सा मीठा बकरीद स्पेशल के लिए। और ये देखिए ये सब चीजें मैंने फ्राई जो की थी वो इस तरह हमने लवाजमात इसके साथ रखने हैं। खोपरा है, पिस्ता है, बादाम है, किशमिश, काजू और सेवैया। ये मैंने ले लिया है शीर कोरमा। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ये थोड़े से फ्राई हुए हुए बादाम, थोड़ा फ्राई हुआ हुआ खोपरा, पिस्ते, तीन चार काजू, किशमिश और ये फ्राई हुई हुई सेवैया। क्या हम इसे सर्व करेंगे। और ये देखिए जनाब जिस तरह हम ये खाएंगे तो साथ इसके ऊपर रखते हैं एक दो काजू भी। ये बहुत ही मजेदार बना है, हर चीज इसमें इतनी परफेक्ट है, चीनी इसमें इतनी परफेक्ट है। जब आप बनाएंगे और मेरे इसी मेजरमेंट को आप रखेंगे साथ तो आपका शीर कुरमा भी बहुत ही मजेदार होने वाला है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।